नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में। ठीक है, विश्व के प्रमुख पठार हो गए थे हमारे। और इसमें बात करनी है विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष के बारे में। याद रखिए मैप्स से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक, चलिए तो बात करते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष के बारे में। तो इससे पहले हम लोग एक बार मैप में विश्व को देख लें, पृथ्वी को देख लें, अपनी अपने भारत को देख लें, सभी देशों को देख लें एक नज़र में। ठीक है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी देख रही है, इसमें प्यारा भारत लीजिए, ये है भारत। ये आपका म्यांमार है, नेपाल है ऊपर, अफगानिस्तान है ये ऊपर, नीचे पाकिस्तान, ये आपका चीन लगा हुआ है, ये मंगोलिया है, रूस है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ये ओमान, सीरिया, तुर्की। ठीक है, फिर आते हैं आप लोग वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया और नीचे उत्तर कोरिया। ये आपका फिलीपीन सागर है, थाईलैंड की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, लक्षद्वीप सागर है, अरब सागर है। ऊपर आपका देखो तो ये आपका बेरिंग सागर है, कारा सागर है, आर्कटिक महासागर है, पूर्वी साइबेरिया सागर है, बेरिंग सागर है, आर्कटिक महासागर है, ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वेजियन सागर, ओखोत्स्क सागर, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, बेरिंग सागर है। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, पपुआ न्यू गिनी है, न्यूजीलैंड है आपका, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, मेडागास्कर हुआ दक्षिण अफ्रीका, ये आपकी माली, नाइजर, चाड, सूडान, लीबिया। ठीक है, और ये आपका यूक्रेन, यूरोप है महाद्वीप, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे, ये है आपके, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक, ये दक्षिणी प्रशांत सागर, ऊपर उत्तरी प्रशांत सागर, ये आपकी विषुवत रेखा गुजर रही है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनकी अंतरिक्ष की स्थिति मैप्स में। तो ये देख लीजिए एक बार मैप्स। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ऊपर आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहले हम एशिया में देखते हैं। ठीक है, ये आपका पूर्वी अंतरिक्ष, कौन सा पूर्वी अंतरिक्ष, पूर्वी अंतरिक्ष जो है इसके बारे में आपको याद रखना है, क्या रखना है याद, कि बेरिंग जलसंधि के पास, कहाँ, यही आपकी बेरिंग जलसंधि है, बेरिंग जलसंधि के पास रूस के उत्तर पूर्व में स्थित यह अंतरिक्ष आर्कटिक महासागर में अवस्थित है, यह रूस का पूर्वी भाग है। ठीक, याद रखना। फिर आप आते हैं लोपा टका अंतरिक्ष, तो ये भी रूस के कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिण तथा कुरिल द्वीप समूह के उत्तर स्थित यह अंतरिक्ष ओखोटस्क सागर का भाग है, यही आपका ओखोटस्क सागर था ना, देखा था हम लोगों ने। ठीक है, फिर आते हम लोग ये आपका कौन सा कुमारी अंतरिक्ष है, कुमारी अंतरिक्ष के बारे में आपको याद रखना है, क्या रखना है याद, कि कुमारी अंतरिक्ष भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम भाग में अवस्थित यह अंतरिक्ष अरब सागर का भाग है, यहीं पर आपका विवेकानंद रॉक स्थित है। ठीक है, फिर आपका ये यहाँ है आपका पॉइंट पेड्रो, तो पॉइंट पेड्रो के बारे में याद रखिए कि श्रीलंका का उत्तरतम बिंदु है, यहाँ तमिल लोगों की बहुलता है। ठीक है, फिर हम लोग नीचे आते हैं, कौन सा है कैप अर्नहेम, ये आपका है कैप अर्नहेम, इसके बारे में आपको याद रखना है कि
यह अंतरीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आरापुआ सागर एवं कार्पेटिया की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, फिर ये आपका कैप यार्क आपका है, जो यह ऑस्ट्रेलिया के कैप यार्क प्रायद्वीप का उत्तरी छोर है। टोरस जलसंधि के पास अवस्थित यह आरापुआ सागर एवं कोरल सागर के मध्य स्थित है। यह बॉक्साइट संपन्न क्षेत्र है आपका। ठीक है, फिर आपका ये यहाँ आपका कैप ल्यूबेन है, कैप ल्यूबेन, तो कैप ल्यूबेन है जो आपका, इसके बारे में याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित यह अंतरिक्ष हिंद महासागर का भाग है। इसके ठीक उत्तर में डार्लिंग रेंज स्थित है आपकी। ये आपका कैप कार्मोट है, कौन सा कैप कार्मोट, यह भी ऑस्ट्रेलिया की आयर प्रायद्वीप का दक्षिणतम छोर है। यह स्पेंसर की खाड़ी एवं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट के मध्य अवस्थित है। फिर आपका केप फायरवेल, तो इसके बारे में याद रखिए कि यह अंतरी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। गोल्डन की खाड़ी के पास अवस्थित यह अंतरी न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप का सबसे पूर्वी भाग है। ठीक है, फिर यही आपका बगल में कैप पालीसर है, कौन सा कैप पालीसर, यह अंतरिक्ष न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी द्वीप का दक्षिणी भाग है। यह आपका उत्तरी अंतरिक्ष है, कौन सा उत्तरी अंतरिक्ष, तो इसके बारे में याद रखिए। यह आपका न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दक्षिण अमेरिका की तरफ, अफ्रीका महाद्वीप में। ये आपका है कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, इसके बारे में याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में कैप डाउन के पास अवस्थित यह अंतरी प्राचीन समय में प्रमुख समुद्री मार्ग था। वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी तथा इसी रास्ते से वो भारत आया था। ठीक है, ये आपका अबुल हास है, कौन सा अबुल हास, इसके बारे में याद रखिए कि अबुल हास आपका दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के दक्षिणी छोर पर अवस्थित यह देश का सुदूर दक्षिणी छोर है। तीन तरफ से पानी से घिरे हुए अंतरिक्ष की जलवायु होती है। इसके तट के पास ब्राजीविले की गर्म पानी की जलधारा गुजरती है। ठीक है, केप लापेज है आपका, केप लापेज के बारे में याद रखना है आपको। अफ्रीका महाद्वीप के साओ टोम प्रेसेप द्वीप समूह के पूर्व में अवस्थित यह अंतरी भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलें तो ये है आपका केप वर्डे सेनेगल के पास अवस्थित यह अंतरी अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि का पश्चिम बिंदु है, जिसके पश्चिम में केप वर्डे द्वीप समूह अवस्थित है। फिर आपका स्पार्टल अंतरिक्ष, तो ये आपका याद रखना है जिब्राल्टर जनसंधि है जो ना, इसके समीप स्थित अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु है, या मोरक्को का भी उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, फिर है आपका टेफालगर अंतरिक्ष, तो इसके बारे में याद रखिए कौन से यह अंतरी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित यूरोप का दक्षिणतम भाग है। यह स्पेन के आइबेरियाई बेरिया प्रायद्वीप का दक्षिणतम भाग है। ठीक है, यह आपका यहां दिख रहा है लैंडेस नेस अंतरी है,
या इसके बारे में याद रखना है कि ये आपका, ये अंतरिप नॉर्वे के दक्षिणी भाग में अवस्थित है, ये उत्तरी सागर का भाग है। फिर आपका ये ऊपर नॉर्थ कैप है, कौन सा नॉर्थ कैप, ये आपका नॉर्वे के उत्तरी भाग में अवस्थित है, ये अंतरिप बेरेंट सागर में स्थित है। यह स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का उच्चतम भाग है, इसे यूरोप का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। यह कागेरुआ द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं दक्षिणी अमेरिका में, कैप कैप ऑफ हॉर्न, कौन सा कैप ऑफ हॉर्न, इसके बारे में याद रखिए कि यह दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो चिली के टेरा डेल फ्यूगो के पास अवस्थित है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर व दक्षिणी अटलांटिक महासागर का मिलन बिंदु है यहाँ, ठीक है। यही आपका सैन डिएगो अंतरिक्ष है, कौन सा सैन डिएगो अंतरिक्ष, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित यह अंतरिक्ष दक्षिणी अमेरिका की टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। ये आपका यहाँ आपकी शाउले अंतरिक्ष है, कौन सा शाउले अंतरिक्ष, मेक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा के पास दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित यह अंतरिक्ष फ्लोरिडा प्रायद्वीप का भाग है। यही आपका कैप कैनावेरल है, कैप कैनावेरल अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष नासा का मुख्यालय है, क्या है नासा का मुख्यालय। इसी स्थान से संयुक्त राज्य अमेरिका के सैटल सैटेलाइट जो भी होते हैं छोड़े जाते हैं, ठीक है। आपका ऊपर हेटेरस अंतरिक्ष है, कौन सा हेटेरस अंतरिक्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना फ्रांस के पूर्वी भाग में अवस्थित यह अंतरिक्ष उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। यहाँ आपका सान लुकास अंतरिक्ष है, सान लुकास अंतरिक्ष, सान लुकास अंतरिक्ष कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यह कैलिफोर्निया के वाजा प्रायद्वीप का अंतिम छोर है, ठीक है। यह आपका बेरो अंतरिक्ष, कौन सा बेरो अंतरिक्ष, अलास्का के उत्तरी उत्तर पश्चिम में स्थित यह अंतरिक्ष ब्यूफोर्ट सागर में अवस्थित है, कहाँ है ब्यूफोर्ट सागर में, ठीक है। लगभग आपके जितने भी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष थे वो हम लोगों ने मैप में देख ली, ठीक है। इनके बारे में अब हम लोग जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी अंतरिक्ष, अगर अंतरिक्ष भी आपको पता नहीं तो याद रखना अंतरिक्ष वो स्थान होते हैं जो किसी समुद्र या कभी कभी भूमि से ऊपर की ओर उभर जाते हैं, ठीक है। इसी भूमि को जो उभर जाते हैं उन्हें हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, इसे प्रायद्वीप या रास भी कहा जाता है, ठीक। अब आपका बैरो अंतरिक्ष, अलास्का के उत्तर पश्चिम में स्थित यह अंतरिक्ष ब्यूफोर्ट सागर में अवस्थित है। सान लुकास अंतरिक्ष कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष प्रशांत महासागर में अवस्थित है, कैलिफोर्निया के बाजा प्रायद्वीप का अंतिम छोर है। कैप कैनावेरल अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा के पास अवस्थित यह अंतरिक्ष नासा का मुख्यालय है। इसी स्थान से संयुक्त राज्य अमेरिका के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, शटल। यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप का अंतिम छोर है, फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर अवस्थित इस केप को कैनेडी अंतरिक्ष भी कहते हैं। फिर आपका सबले अंतरिक्ष है, मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित यह अंतरिक्ष फ्लोरिडा प्रायद्वीप का भाग है, कैप ऑफ हॉर्न। यह दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो चिली के टेरा डेल फ्यूगो के पास अवस्थित है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर का दक्षिणी अटलांटिक महासागर का मिलन बिंदु है, ठीक
इस अंतरीप पर हरे घास के मैदान हैं, यहाँ भेड़ों को पालने का कार्य किया जाता है। तटीय लोगों का जीवन मछली पकड़ने पर आधारित है। फिर आपका हैटरस अंतरीप है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के पूर्वी भाग में अवस्थित यह अंतरीप उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। सैन डियागो अंतरीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित यह अंतरीप दक्षिणी दक्षिण अमेरिका के टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, फिर आपका नॉर्थ कैप नॉर्वे के उत्तरी भाग में अवस्थित यह अंतरीप बेरेंट सागर में स्थित है। यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का उत्तरतम भाग है। इसे यूरोप का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। यह कागेरोआ द्वीप पर अवस्थित है। लैंडेस नेल्स यह अंतरीप आपका नॉर्वे के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यह उत्तरी सागर का भाग है। ट्रफाल्गर अंतरीप यह अंतरीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित यूरोप का दक्षिणतम भाग है। यह स्पेन के आइबेरिया प्रायद्वीप का दक्षिणतम भाग है। फिर आपका स्पार्टले अंतरीप जिब्राल्टर जसंधि के समीप स्थित अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम भाग है। यह मोरक्को का भी उत्तरतम भाग है। केप वर्डे सेनेगल के पास अवस्थित यह अंतरीप अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि का पश्चिमतम बिंदु है, जिसके पश्चिम में केप ऑफ वर्डे द्वीप समूह अवस्थित है। केप लोपेज अफ्रीका महाद्वीप के साओ टोम फ्रेंसेप द्वीप समूह के पूर्व में अवस्थित यह अंतरीप भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। केप ऑफ गुड होप दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में केप टाउन के पास अवस्थित यह अंतरीप प्राचीन समय में प्रमुख समुद्री मार्ग था। वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी, इसी रास्ते भारत आया था। वास्को डी गामा कुमारी अंतरीप भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम भाग में अवस्थित यह अंतरीप अरब सागर का भाग है। यहीं पर आपका विवेकानंद रॉक स्थित है। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका का उत्तरतम बिंदु, यहाँ तमिल लोगों की बहुलता है। केप अर्नहेम यह अंतरिक्ष ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में अराकुआ सागर एवं कार्पेटिया की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। केप यार्क यह ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप का उत्तरी छोर है। टोरस जल संधि के पास अवस्थित है अराकुआ सागर एवं कोरल सागर के मध्य स्थित है। यह बॉक्साइट संपन्न क्षेत्र है। केप थारनोट कारनोट और कैप कारनोट यह ऑस्ट्रेलिया के आयर प्रायद्वीप का दक्षिणतम छोर है। यह स्पेंसर की खाड़ी एवं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट के मध्य अवस्थित है। कैप ल्यूबिन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित यह अंतरिप हिंद महासागर का भाग है। इसके ठीक उत्तर में डार्लिंग रेंज विस्तृत है। उत्तरी अंतरिप यह है अंतरिप न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर उत्तरी द्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है। यह प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है, फिर है लोपाट का अंतरी कौन सा लोपाट का अंतरी तो रूस के कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिण तथा कोरिल द्वीप समूह के उत्तर स्थित यह अंतरी ओखोटस्क सागर का भाग है। पूर्वी अंतरी वेरिंग जल संधि के पास रूस के उत्तर पूर्व में स्थित यह अंतरी आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। यह रूस का पूर्वी भाग है। फायरवेल अंतरी यह अंतरी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। गोल्डन की खाड़ी के पास अवस्थित यह अंतरी न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप का सबसे पूर्वी भाग है। केप पालीसर यह अंतरिक्ष न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित है। यह प्रशांत महागर सागर में स्थित उत्तरी द्वीप का दक्षिणी भाग है। केप अगुलास दक्षिणी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अफ्रीका सॉरी दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के दक्षिणी छोर पर अवस्थित यह देश का सुदूर दक्षिणी छोर है। तीन तरफ से पानी से घिरे हुए अंतरिप की जलवायु होती है। इस तट के पास ब्राजी बिले की गर्म पानी की जलधारा भी गुजरती है यहाँ से। फिर आपका कैप बोही मीना
यह अंतरी मेडागास्कर द्वीप के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। यह हिंद महासागर का भाग है। यह अंतरी मेडागास्कर का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये आपके थे विश्व के प्रमुख अंतरी। अगले हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में। ठीक है।